अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक टेंडा का राउटर जो है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। ये टेंडा का राउटर है, ठीक है, और इसका मॉडल नंबर जो है वो F3 है। और ओपन करने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली ये करना है कि जैसे कि ये यहाँ पर फिट होता है और ये ढक्कन भी इसके ऊपर फिट होता है, तो यहाँ पर जो है वो आपने इस एरिया में जो है वो ये मोबाइल ओपनर जो है ये डाल के इसको खींच लेना है। तो यहाँ पे ये लॉक हैं, ये वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लॉक ओपन हो जाते हैं और आपका जो राउटर है वो इन लॉकों से ओपन होने के बाद जो है वो इसका ऊपर वाला कवर ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको ये किट नज़र आती है। और इस राउटर का मसला ये है, मैं आपको मीटर पर यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीसी पे मीटर रखा हुआ है और वोल्टेज आपके सामने, इसके जो चार्जर को कह लें या अडाप्टर कह लें, इसके वोल्टेज क्या आ रहे हैं वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, इसके अडाप्टर के अंदर जो है वो वोल्टेज पूरे आ रहे हैं 12.11, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि राउटर को जब हम ये चार्जर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखें किसी किस्म की कोई भी लाइट, यहाँ से कोई भी लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही। और इसके अंदर क्या मसला है वो मैंने देखने की कोशिश की है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी पीसीबी के ऊपर कोई लॉक या कोई भी चीज़ नहीं लगी होती, इसलिए आप इसको सिंपली जो है ये ऐसे बैंड ओपन कर सकते हैं और इसको जो है वो आप दूसरी साइड पर फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और इसको जब मैंने यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पर जो इसका जहाँ पे ये जैक के अंदर या पोर्ट के अंदर, चार्जिंग पोर्ट के अंदर जब लगाते हैं चार्जर को, तो और कोई भी कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे हीट नहीं हो रहा, या इवन के यहाँ पे ये कॉइल भी हीट नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कोई चीज़ हीट नहीं हो रही, सिर्फ हीट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ये जो कनेक्टर है, जहाँ जैक जो है, चार्जिंग पोर्ट जिसे कह सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो इसका इशू क्या हो सकता है, तो वोल्टेज भी मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर लगाया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने वोल्टेज चेक किए, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 1.2 वोल्ट हो गए हैं, यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो शॉर्टेज शो कर रहे हैं और शॉर्टेज की वजह से है यहाँ पे किट ऑन नहीं हो रही। और इसके साथ साथ ये देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके आगे भी एक रेजिस्टर लगी हुई है, तो इनको भी मैं चेक करता हूँ। अगर ये शॉर्ट हैं तो इनको मैं दोबारा से जो है वो ओपन करके तो फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे जब मैंने इसके कैपेसिटर को, जो कि जैक के साथ लगा हुआ है, इसको मैंने टच करके देखा तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। और प्रॉब्लम भी यहीं पर है कि मैं सप्लाई इसके ऊपर लगाता हूँ और जब इसको हाथ लगाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है चार्जर को, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने शोल्डर दे देना है और इस कैपेसिटर को आपने जो है वो उतार लेना है यहाँ से, ठीक है। इसको मैं शोल्डर दे देता हूँ इस साइड से और दूसरी साइड से भी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ट्रिकी सा काम लगेगा यहाँ पे, तो ये आपने इसको थोड़ा सा हीट करना है और जैसे ही ये दोनों साइड से हीट होगा तो ये देखें ये रिमूव हो गया है। और रिमूव होने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है। जो कैपेसिटर था वो मैंने रिमूव कर दिया है, अब इसको चार्जिंग दे के देख लेते हैं कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सर्किट बिल्कुल ऑन हो गया है और अब जो है वो हमारा यहाँ पे काम करना शुरू हो गया है। तो मैं क्लोज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा था ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अगर नज़र आ रहे हों, ये कैपेसिटर मैंने ओपन कर दिया है। और ओपन होने के बाद जो है ये यहाँ पे सर्किट जो है वो क्लियर हो गया है। इस कैपेसिटर को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये फिल्ट्रेशन कैपेसिटर होता है।
आप इसको इग्नोर भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है वो राउटर बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिस्टम लोड हो रहा है, और इसके साथ साथ इसको जो है वो सिस्टम लोड होने में थोड़ा सा टाइम भी लेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही इसको यहाँ पे लैन वगैरह मिलेगी तो ये यहाँ पे कनेक्ट भी हो जाएगा, और वायरलेस लैन और वैन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैपेसिटर को क्लियर किया है, और वो कैपेसिटर क्लियर करने के बाद हमारा जो ये राउटर है वो काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फिट कर दिया है, इसकी लाइट्स आपको नज़र आ रही होगी ब्लिंक कर रही हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रीसेट का बटन प्रेस करता हूँ, और रीसेट के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि ये राउटर एक दफ़ा से जो है वो दोबारा रीसेट होगा, और उसका मतलब ये है कि आपका राउटर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल ये ओके हो गया, इसका सारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैंने रीसेट के बटन को प्रेस किया है तो मोबाइल राउटर जो है वो दोबारा रीबूट हो गया है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।